पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पहले चार घंटों में लगभग 20% वोट पड़े हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम को 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और कहीं से भी अब तक हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। हालांकि कुछ जगहों से ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आई हैं जिनको जल्द ही ठीक करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक आगरा में 20.3, अलीगढ़ में 17.91, बागपत में 22.3, बुलंदशहर में 21.62, गौतम बुद्ध नगर में 19.23, गाजियाबाद में 18.24, हापुड़ में 22.8, मथुरा में 22.73, मेरठ में 18.54, मुजफ्फरनगर में 22.65 और शामली में 22.83% मतदान हुआ। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से 53 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी आई थी और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।